नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम आप सभी का स्टेपिंग स्टोन पर स्वागत करता हूं। रिसेंट में बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है ट्विटर को लेकर के। देखो, अगर ट्विटर की बात की जाए तो इससे कोई आज के समय में अनजान नहीं है। छोटा व्यक्ति हो या बड़ा व्यक्ति हो, वो हर कोई ट्विटर को जानता है, क्योंकि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी न्यूज जो है वो आपको ट्विटर के माध्यम से प्राप्त हो जाती है, और ट्विटर हमेशा न्यूज में भी बना रहता है। लेकिन जब से इलॉन मस्क ने इसे परचेज किया, उसके बाद से एक ना एक नई डेवलपमेंट सामने आती जा रही है, और रिसेंट में एक डेवलपमेंट और सामने आई है, क्योंकि इलॉन मस्क ने अब स्पष्ट कर दिया है कि यदि आपको ट्विटर पर वेरीफाइड अकाउंट या ब्लू टिक का सिंबल चाहिए, तब आपको जो है ट्विटर को $8 पर मंथ के हिसाब से पे करना पड़ेगा। देखो मैं बताता हूं, जैसे यहां पर ये बिल गेट्स का अकाउंट है, ठीक ना, और यहां पर अगर देखें तो ट्विटर की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग जो ये ब्लू टिक है, ये बेसिकली ये वेरीफाई करता है कि जो ये अकाउंट है ये स्पेशली, ये कहा जाए तो मुख्यतः आपके बिल गेट्स को ही बिलोंग करता है, तो उनके अकाउंट्स का जो वेरिफिकेशन है वो इस टिक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से किया जाता है। और अब इसी फीचर को बेसिकली अगर देखा जाए तो इलॉन मस्क ने कह दिया कि यदि ये वाला फीचर आपको अपने अकाउंट पर चाहिए कि जो वेरीफाइड अकाउंट है इसकी पुष्टि करानी है, तो अब आपको जो है $8 पर मंथ के हिसाब से जो है आपको ट्विटर को पे करना पड़ेगा। जो ये सब्सक्रिप्शन वाला प्लान है, अगर उसे देखा जाए तो रिसेंट में 5 देशों में जो एप्पल का स्टोर है iOS वाला, वहां पर बेसिकली इसके अपडेट्स भी आ गए हैं। अगर मैं उन देशों की बात करूं तो US हो गया, कनाडा हो गया, आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, और आपका ब्रिटेन हो गया। इन 5 देशों में जो है इसके सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग जो $8 पर मंथ के हिसाब से चार्ज लगना है, वो आपको अपडेट्स जो है वो आपके आईफोन में देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो ट्वीट के माध्यम से इलॉन मस्क ने बताया कि 1 महीने के अंतर्गत जो है हम इंडिया में भी इसको रोल आउट करने की कोशिश करेंगे। वहीं अगर इसके प्राइसिंग की बात की जाए, जो $8 पर मंथ की बात कही जा रही है, वो बेसिकली हर देश में उनके परचेजिंग पावर प्रायोरिटी जो PPP की बात होती है उसके बेसिस पर डिपेंड करने वाला है। सो आज के सेशन में हम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं कि ट्विटर क्या है और किस तरीके से इसमें ब्लू टिक या वेरिफिकेशन वाला जो फीचर्स है वो कब इनरोल्ड हुआ, और इसके रिगार्डिंग जो ये $8 पर मंथ के हिसाब से लगाए जाने की बात चल रही है इलॉन मस्क की, इसके रिगार्डिंग जो यूजर्स हैं उनका क्या कहना है, इन सब के बारे में हम कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। लेकिन यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नाउ हम स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर बात की जाए ट्विटर की, तो ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल साइट है, ठीक ना, जो कि अमेरिकन कंपनी है। और अगर ट्विटर की हम बात करें तो जो इस पे आप, जैसे आपका अकाउंट एक बार आपका बन गया तो यहाँ पर आप ट्वीट कर सकते हैं, किसी के ट्वीट को रीट्वीट कर सकते हैं, जो बहुत सारी चीजें वो आपके ट्विटर के माध्यम से प्राप्त हो सकती हैं। अगर वही अगर हम देखें कि जो आप कैरेक्टर्स इसमें टाइप करते हो, तो स्टार्टिंग जब की गई थी तब 140 कैरेक्टर्स की बात कही जा रही थी, मतलब 140 कैरेक्टर आप इसमें टाइप कर सकते हैं, और 140 सेकेंड तक का कोई ऑडियो हुआ, वीडियो हुआ, उसको भी आप यहां पर अपलोड कर सकते हैं। लेकिन बाद में जो है इसमें फिर से जो है पॉलिसीज में सुधार किया गया, और फिर जो है जो कैरेक्टर 140 थे उनकी जो संख्या बढ़ा थी वो बढ़ा करके 280 कर दी गई। लेकिन ये CJK लैंग्वेजेस के अतिरिक्त लैंग्वेजेस की बात कही जाती है। अब CJK की अगर मैं बात करूं तो C फॉर चाइना हो गया, J फॉर जापान एंड K फॉर कोरिया, मतलब इन लैंग्वेजेस की जो देशों की जो लैंग्वेजेस हैं उनको छोड़ करके अन्य लैंग्वेजेस की जो सीमा थी वो 280 कैरेक्टर कर दी गई थी। और अगर इसकी शुरुआत देखी जाए तो जो जैक डॉर्सी थे उनके फर्स्ट ट्वीट से होती है, कब, 2006 से। 2006 में इन्होंने अपना फर्स्ट ट्वीट किया था ट्विटर पर, जस्ट सेटिंग अप माय ट्विटर, और यही ट्वीट के माध्यम से ये जो आपका देखा जाए जो ट्विटर वाला प्लेटफॉर्म है इसकी स्टार्टिंग हो गई थी। लेकिन बात क्या होती है कि 2009 तक आते आते इस पर बहुत सारी चीजें सामने आने लगी, सब लोग जो है जिसके मन में जो आता वो बोल देता, तो फिर ये सस्पेंस बनता था कि आखिर अकाउंट है किसका, जिन्होंने इस चीज को कहते, क्योंकि जैसे राम का अकाउंट है और कोई एक और पर्सन है तो यहाँ पर ऑथेंटिक कौन है, तो उसको बेसिकली वेरीफाई करने के लिए ट्विटर ने ये वेरिफिकेशन वाला जो फंडा है उसको अपनाया, ब्लू टिक वाला सिंबल, और ये 2009 में जो है वो ट्विटर में इनरोल्ड किया गया। इसके माध्यम से ये डिफाइंड किया जाता था कि ये अकाउंट अगर जैसे ए पर्सन का है और उसके आगे अगर ब्लू टिक का सिंबल लग गया तो वो जो अकाउंट है ये कन्फर्म हो गया कि ए पर्सन का ही है, किसी दूसरे पर्सन के द्वारा नहीं ऑन्ड किया जा रहा है। तो ये फीचर जो है आपका ट्विटर के अंतर्गत 2009 में इनरोल्ड हो जाता है। लेकिन समय बीतता है और फिर टाइम आता है 2022 का। 2022 में इलॉन मस्क के द्वारा ट्विटर को $44 बिलियन की डील के साथ परचेज कर लिया जाता है, और परचेज करने के बाद पहला ट्वीट इलॉन मस्क का जाता है कि अब मैंने चिड़िया को फ्री कर दिया है। लेकिन अगर देखा जाए चिड़िया फ्री तो हो गई है, लेकिन अब चार्जेबल भी हो गई है, क्योंकि यदि आपको वेरीफाइड अकाउंट का सिंबल चाहिए या आप ब्लू टिक का सिंबल चाहते हैं तो आपको $8 पर मंथ के हिसाब से पे करना होगा एज पर इलॉन मस्क, ठीक ना।
क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक और चीज हम पीछे से समझ सकते हैं कि कोई भी बिजनेसमैन अगर अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है तो सीधा तो उसका इंटेंशन उसको प्रॉफिट चाहिए कैसे भी करके। तो अब इन्होंने ने $44 बिलियन यहाँ पर इन्वेस्ट किया है तो इनका सीधा सा इंटेंशन होगा कि अब मुझे जो है इस $44 बिलियन को तो निकालना ही है, इससे ज्यादा और भी मुझे इससे प्रॉफिट कमाना है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जो इनका कहना है कि ट्विटर की जो प्रेजेंट टाइम टोटल इनकम है उसका 90% जो रेवेन्यू है वो एड से आता है, जो कि ट्विटर के लिए सफिशियंट नहीं है। दैट्स व्हाई हमें जो है ट्विटर की पॉलिसीज में कुछ अपडेट्स करने होंगे जिससे इसका जो रेवेन्यू मॉडल है वो अपडेट हो सके और जो रेवेन्यू है वो बढ़ सके। दैट्स व्हाई इलॉन मस्क के द्वारा बेसिकली ये जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट कर दिया गया और $8 पर मंथ के हिसाब से चार्ज अप्लाई किए जाने लगे, किसके लिए? वेरीफाइड अकाउंट के सिंबल के लिए। अब इसके रिटेलिएशन में अगर देखा जाए तो उनकी भी प्रतिक्रियाएं दिखना लाजमी है, क्योंकि जो चिड़िया अभी तक फ्री ऑफ कॉस्ट थी, जो वेरीफाइड अकाउंट का लोगो इन्हें फ्री में मिलता था, अब उसके लिए इन्हें $8 पर मंथ के हिसाब से पे करना पड़ेगा, तो प्रतिक्रियाएं भी आनी लाजमी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कुछ ट्वीट्स लिए हैं, जैसे काशिफ रजा जी कहते हैं कि मुझे ब्लू टिक पाने के लिए 4 साल लग गए, 15,000 मैंने ट्वीट किए और 25 बार से ज्यादा इनके फॉर्म को रिजेक्ट किया गया, उसके बाद इन्होंने जो है इस ब्लू टिक को पाया। बट प्रेजेंट टाइम में आप $8 पर मंथ पे करके इस ब्लू टिक को पा सकते हैं। वही जोसेफ मॉर्गन का ट्वीट देखें तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इनके द्वारा बताया जा रहा है कि प्रेजेंट टाइम में अगर कोई और बंदा है जो जोसेफ मॉर्गन का नाम रख करके $8 पे करता है और पे करने के बाद वो जो है बड़े आसानी से ब्लू टिक को अपने पास पा लेगा, तो उससे होगा क्या कि ये कंफ्यूजन बनेगा कि आखिर ओरिजिनल में जोसेफ मॉर्गन ये वाले हैं या ये वाले हैं, और जो ये वाला नया बंदा जोसेफ मॉर्गन बना है $8 पे करके वो कई सारे स्कैम भी कर सकता है, क्योंकि इनके पास जो है बहुत सारे फैन फॉलोइंग भी हैं, तो इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं, उनके बहुत सारे फैंस हैं, तो उनका जो ब्लू टिक वाला सिंबल है वो बेसिकली ले करके आप कह सकते हो $8 पे करके वो भी अपने आप को वेरीफाई दिखा सकता है कि हम भी जो है वो जेन्युइन है, तो उनके माध्यम से भी कई तरीके के स्कैम्स वो कर सकता है। वहीं अरुण जी जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं, इनके द्वारा कहा गया कि जो ये ब्लू टिक वाला है आप कह सकते हो सब्सक्रिप्शन मॉडल है, वो बेसिकली अमीरों के लिए है और वो जो अमीर है वो आपके इलॉन मस्क को और भी ज्यादा अमीर बनाएंगे। अब जब पूरी दुनिया ट्वीट कर रही है तो भारत वाले भी चुटकी लेने में कहां पीछे रहने वाले हैं। ये बेसिकली तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं, इन्होंने कहा नो डाउट आप जो है ब्लू टिक के लिए चार्ज अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी ब्लू टिक है, आप वो हमसे ले लीजिए लेकिन उसके एवरेज में जो है $4 पर मंथ के हिसाब से हमें पे भी कर दीजिए। वही इंडिया से एक बंदे ने पूछा कि बेसिकली जो ये ट्विटर का फंडा है, जो ये ट्विटर में $8 पर मंथ के हिसाब से चार्ज किया जा रहा है, वो बेसिकली इंडिया में कब से लागू होगा? तो इलॉन मस्क ने ट्वीट के माध्यम से बताया कि 1 महीने के अंतर्गत जो है हम इसे इंडिया में भी लागू कर देंगे। और अगर ये जो देखा जाए जो चार्ज है $8 पर मंथ वाला, वो बेसिकली उस देश की परचेजिंग पावर प्रायोरिटी पर डिपेंड करने वाला है। तो बहुत सारी प्रक्रियाएं आए, इलॉन मस्क को भी बहुत सारे लोगों ने भला बुरा कहा, लेकिन वो बंदा सीधी सी एक बात कहता है कि आप जो अपने कंप्लेंस हैं, जो कंप्लेनर्स हैं, वो अपने कंप्लेन को जारी रखें, लेकिन आई विल कॉस्ट $8 पर मंथ फॉर ब्लू टिक। सीधी सी इनका एक बात है कि आप जो कंप्लेन है आप कंप्लेन करते रहिए, मुझे कोई उससे दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ब्लू टिक चाहिए तो आपको जो है बेसिकली $8 पर मंथ के हिसाब से पे करना पड़ेगा। तो ये सब तो पूरा का पूरा एक न्यूज ट्रांजिशन है, आगे इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स होगा उसको लेकर के मिलते हैं नए सेशन पर। जय हिंद।